पूरे देश में परिवर्तन का माहौल तैयार हो रहा है, जिसको मैं मेरे समझ से समझता हूं कि क्रांतिकारी परिवर्तन है। पूरे देश में जय भीम के नारे लग रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहां के नौजवानों को पता चल रहा है कि इस संविधान पे सीधा हमला बोला जा रहा है। जिस तरीके से पुलिसों ने कल जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पूरे देश में नौजवानों पे हमले बोल दिए, उससे लग रहा है कि ये राज पुलिस राज में बदल रहा है। एनआरसी हो, सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, नहीं तो सोशल मीडिया अकाउंट का सर्वेलेंस हो, इस माध्यम से जमहूरियत पे हमला करने का काम बीजेपी कर रही है। मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी में दायर का पुनर्जन्म होगा। मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी में कर्जन वायली का पुनर्जन्म होगा। मुझे नहीं मालूम था कि हिटलर स्वयं भारत में दिखाई देगा। लेकिन आज जो नौजवान रस्ते पे उतर आके आ रहे हैं, वो न जात का विचार कर रहे हैं न धर्म का विचार कर रहे हैं, उनके दिन में एक ही भावना है कि यहां के जमहूरियत को, यहां के गणतंत्र को, यहां के डेमोक्रेसी को बचाना है और जात पात धर्म को भूल के इस देश को आगे लेके जाने वाले इस संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। चाहे में हो, चाहे त्रिवेंद्रम में हो और चाहे बंबई में हो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये इकट्ठा होना ये धोखे की घंटी है। विद्यार्थियों के आंदोलन को कभी कम मत समझना। जिस दिन वो भड़क जाता है, जिस दिन उसके दिल में अंगार लगती है, समझ लेना सत्ता परिवर्तन तय है। आपने पहला पत्ता डाला है, खेल विद्यार्थी खत्म करेंगे।